A very good day to all of you, my friends. आज मैं आई हूँ फिर से एक्सरसाइजेस फॉर सीनियर सिटीजन्स. इस बार मैं लेके आई हूँ लंग एक्सरसाइज. ओके, तो इंसान देखिए बिस्तर पे पड़ा है, चाहे सर्जरी के बाद हो या वैसे ही लंबे समय से बिस्तर पे पड़ा हुआ है, तो नेचुरली उसकी जो लंग्स की कैपेसिटी है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है. अगर इंसान चलता फिरता रहता है ना, तो नेचुरली वो थोड़ा सा हेवी ब्रीथ करेगा, थोड़ी सी ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा, पर पड़े पड़े वो उतना सब नहीं कर पाता है. तो उसके लिए हमने थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ताकि हमारे लंग्स जो है ना वो स्ट्रांग रहे, उनकी कैपेसिटी बढ़े, और इसी के हिसाब से हम अपने लंग्स के फंक्शन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. यानी कि हमारे लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, उसके अंदर हम मैक्सिमम एयर पहुंचा सकें, मैक्सिमम ऑक्सीजन पहुंचा सकें, इसके लिए हमारे लंग्स को भी थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि वो अच्छे से फूलें. जितना वो फूलेंगे, उतनी हवा अंदर जाएगी, उतना ऑक्सीजन अंदर जाएगा, उतनी ही हमारे बॉडी के फंक्शंस अच्छे होंगे. तो सबसे पहले एक तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जिसको कि हम कहते हैं अलोम विलोम, जो भी है. तो सबसे पहले तो आप वार्मिंग अप कर लीजिएगा अपना. कम ऑन, लेट अस स्टार्ट. 1, 2, 4, 5. अब आप अपने अंगूठे से राइट तरफ के नोज को प्रेस करिएगा और लेफ्ट से सांस लीजिएगा, ठीक है ना. इट्स नॉट एग्जैक्टली अलोम विलोम, पर मैं ये चाहूँगी कि आप इस एक्सरसाइज को करके देखिए. लेफ्ट से, राइट हैंड से आप इसको बंद करिए, लेफ्ट से आप सांस लीजिए, फिर आप लेफ्ट को बंद करिए और राइट से सांस छोड़ दीजिएगा, ठीक है. लेट अस डू दिस एटलीस्ट 10 times. इस तरह से आपने 10 बार करना है. अब हम दूसरी एक्सरसाइज पे जाते हैं. दूसरी एक्सरसाइज में आपने क्या करना, हवा अंदर भरनी है, और जब उसको छोड़ोगे तो हम या तो राइट या लेफ्ट नहीं करेंगे, हम उसको अपने मुंह से छोड़ेंगे. और हमेशा जब हम सांस को इस एक्सरसाइज में, पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज में, जब हम मुँह से हवा छोड़ेंगे, यानी कि सांस छोड़ेंगे, तो हमें मुंह को छोटा कर लेना है, जैसे कि आप विसल कर रहे हो या सीटी बजा रहे हो, ठीक है. तो हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है ना. तो मुंह को आपने सिकोड़ लेना है, पूरा मुंह नहीं खोलना, और उसमें से आपने हवा निकालनी है. तो इससे क्या होगा कि ये टाइम लेगा. जब ये टाइम लेगा, तो नेचुरली जो बाकी की भी कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स में आ रही है, वो भी बाहर निकलेगी, ठीक है ना. और हमने लंबी सांस लेनी है, ताकि मैक्सिमम हवा अंदर जाए. आप एक बार मुंह खोल के भी करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कितनी हवा एक साथ बाहर निकल जाती है, कितनी सांस आप एक साथ बाहर छोड़ सकते हो. पर अगर आप मुंह छोटा करके लोगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा. अब इस एक्सरसाइज से क्या है, लंग्स की भी एक्सरसाइज हुई. आपने जब हवा कम स्पीड से बाहर छोड़ी है मुंह छोटा करके, आपके जो गाल हैं वो भी फूले रहते हैं, तो गालों के मसल्स की भी एक्सरसाइज हो जाती है इसमें. गॉट इट? तो अच्छी बात है ना, हम एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और हमें दो एक्सरसाइजेस का फ़ायदा हो रहा है. नेक्स्ट, तीसरी जो एक्सरसाइज होगी हमारी, वो हम बैलून फुला के करेंगे, ठीक है ना. बैलून फुला के हम करेंगे. जब डॉक्टर्स भी कई बार कहते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑपरेशन के बाद जब इंसान पड़ा रहता है, यानी कि उसको ज़्यादा देर तक रहना पड़ता है बिस्तर पे,
तो वो कहते हैं कि एक फुटबॉल का ब्लैडर लेके आप उसको फुलाइए। कोई कोई डॉक्टर्स कहते हैं आप 100 बार सांस लेके उसके अंदर सांस भरिए, कई बार कहते हैं कम लेके भरिए। तो मेरे पास फुटबॉल ब्लैडर तो नहीं है, तो मैं एक बैलून लूँगी, और बर्थडे बैलून्स तो हर किसी के घर में होते ही हैं। आप क्या करेंगे, इसको यूँ पकड़ेंगे और इसके अंदर हवा भरेंगे, बैलून को फुलाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर फुलाएंगे, फिर छोड़ेंगे, ठीक है। हमने 4 सांस में इतना फुलाया, अब आप इसको हवा छोड़ दीजिए, फिर आप इसको फुलाइए, ऐसे 7-8 बार करिए, और आप देखिए आपके फेस के मसल्स पे भी पड़ेगा प्रेशर, और आपके लंग्स को हवा भरने की अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर उसको छोड़ दीजिए। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड लंग एक्सरसाइज। तो अब हमने क्या क्या किया, सबसे पहले राइट को प्रेस किया, लेफ्ट से सांस छोड़ी, फिर लेफ्ट को प्रेस किया, राइट सांस ली और फिर छोड़ा। तो हम पहले सांस ले लें, एक तो ये एक्सरसाइज हो गई, और दूसरी एक्सरसाइज थी हमारी बैलून को फुला लेते हैं, तब तक हमको उसको भी याद आ जाएगा, नेवर माइंड। आठ दस बार इसको करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमने करनी है अपनी बेली ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, ताकि आपके पेट तक वो सांस जाए, और मुंह छोटा करके आपने हवा छोड़नी है, ठीक है। ये 3 एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करिए। एक काम और कर सकते हैं आप, पहले की जो एक्सरसाइजेस है उनको आप इसके साथ मिक्स करके भी कर सकते हैं, एक एक्सरसाइज इस वीडियो की, एक एक्सरसाइज उस वीडियो की, और आप देखिएगा आपको अच्छी सी एक्सरसाइज मिलेगी, आपके बॉडी के फंक्शन अच्छे होने लगेंगे, आपके पूरी बॉडी में यू विल फील द फ्रेशनेस, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच चुकी है आपके बॉडी में, अंडरस्टूड। पर हाँ, एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूँगी, कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले, क्योंकि लंग्स की बात है इसीलिए आप अपने डॉक्टर्स की परमिशन ले लीजिएगा, डॉक्टर से सलाह कर लीजिएगा। वैसे तो कोई परेशानी की बात नहीं है, पर पोस्ट ऑपरेशन में तो डॉक्टर्स की परमिशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिस्तर पे पड़े हुए हों लंबे समय पे, तो आप ये सब कर सकते हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस। ओके, थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप नए हो तो, नहीं तो लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। थैंक यू।